खालिस्तान समर्थक अमृतपाल को पंजाब पुलिस पिछले कई दिनों से खोज रही है, लेकिन वो वीडियो बनाकर पूरा चैलेंज दे रहा है। बुधवार को जारी वीडियो में अमृतपाल ने कहा कि पुलिस उसका बाल भी बांका नहीं कर सकी। इसके साथ ही उसने वैसाखी पर सरबत खालसा बुलाने की मांग भी रख दी है। दरअसल श्री अकाल तख्त के जत्थेदार ने पंजाब सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि ऑपरेशन अमृतपाल के दौरान 10 दिनों में पकड़े गए युवकों को 24 घंटे में रिहा किया जाए। हालांकि सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। अमृतपाल सिंह ने अपने वीडियो में अकाल तख्त से सरबत खालसा बुलाने की मांग की है और देश दुनिया के सभी सिखों को इसमें शामिल होने का आह्वान किया है। इससे साफ पता चलता है कि अमृतपाल अपनी निजी एजेंडे को सिख कम्युनिटी की लड़ाई बनाना चाहता है। आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं सरबत खालसा क्या है, जिसकी मांग अमृतपाल ने की है। सरबत माने सभी और खालसा माने सिख। सरबत खालसा का मतलब है सभी सिखों को की एक सभा। 16वीं शताब्दी में सिखों के चौथे गुरु रामदास के समय एक प्रथा शुरू हुई। इसमें साल में दो बार सिख समुदाय एक जगह पर जुटता था। यह जुटान वैसाखी और दिवाली पर होती थी। समुदाय के सभी लोग गुरु के साथ इकट्ठा होते और मिलते जुलते थे। समय के साथ सिखों का यह मिलना अपने आसपास समाज और राजनीति में हो रहे बदलावों के लिए चर्चा का केंद्र बनने लगा। इतना जान लेने के बाद अब चलते हैं 1716 में। बंदा सिंह बहादुर के शहीद होने के बाद खालसा बिखर से गए। उन्होंने अपने सेना नायक को खो दिया था। दूसरी तरफ सिखों पर मुगल सेना कहर बरपा रही थी। इस नरसंहार से मोर्चा लेने के लिए दल खालसा बना। यह दल खालसा आगे चलकर तरुण और बुढ़ा दल बना और यही सिख मिसल यानी सिखों की मिलिट्री यूनिट्स का आधार बना। 18वीं शताब्दी में 10वें गुरु गोविंद सिंह के निधन के बाद सिख मिसलें यानी मिलिट्री यूनिट्स ने समुदाय के लिए अधिक महत्व के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर चर्चा के लिए फिर से सरबत खालसा को बुलाना शुरू किया। सिख मिसलें युद्ध की रणनीति पर बातचीत के लिए अकाल तख्त में मिलते थे। 19वीं सदी में सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह ने सरबत खालसा बुलाने की प्रथा को खत्म कर दिया था। तकरीबन 200 साल बाद पहली बार 26 जनवरी 1986 में खुले तौर पर सरबत खालसा को बुलाया गया। स्वर्ण मंदिर में हुए इसी सरबत खालसा में भारत सरकार के खर्च पर अकाल तख्त के निर्माण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। लाखों सिखों की मौजूदगी में फैसला लिया गया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान क्षतिग्रस्त हुए अकाल तख्त को कार सेवा के जरिए ही बनाया जाएगा। सरबत खालसा ने सिख स्वशासन के लिए संघर्ष करने का भी फैसला किया। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।